दवा खाने के बाद भी आपको जान ही रही है और खांसते खांसते एकदम बिल्कुल मुंह लाल हो जा रहा है, तो आज मैं 2 मिनट में बिल्कुल ऐसा नुस्खा बता दूंगा जिसको घर पे अगर बना लेंगे और कर लेंगे तो 2 मिनट में खांसी, जिद्दी से जिद्दी खांसी इस तरह का चुटकी बजाते ही गायब हो जाएगा। तो मेरे चैनल पे आए अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, पास में जो छोटी सी घंटी उसको ऑल पे प्रेस कर दे। तो चलते हैं, मैं आज हम खांसी के बारे में जानते हैं। खांसी ऐसी जो यहाँ पे गले में दर्द भी होने लगता है और खांसते खांसते एकदम कफ जैसा, बिल्कुल कफ, पीला पीला कफ गिरने लगता है, तो वैसी स्थिति में हम क्या करें और क्या ना करें। इस स्थिति में सबसे पहले आप कुछ भी ऐसे वस्तु ना खाएं जिससे आपको गले में दिक्कत हो, जैसे ठंडा पानी या फल वगैरह का सेवन ना के बराबर करें, और कुछ भी लें तो वो गर्म लें। उठने का मेन वजह जो होता है ना, हम हिंदी में बता दे रहे हैं, जिसको हम लोग टॉन्सिल भी बोलते हैं और हिंदी में इसको लुटकुन बोलते हैं। यहाँ जो लुटकुन होता है ना, यहाँ लुटकुन वो गले के बीच में बढ़ जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, जिस कारण से टकराने से बार बार खांसी उठता है, और जब तक वो अपने साइज पे नहीं आएगा तब तक खांसी आपको छोड़ेगा नहीं। दवाई खाएंगे, दवा में क्या होता है ना, दवा में कुछ, क्योंकि उसको नींद लाना, और ये मतलब जो खांसी उठती है ये कफ का रोग है। कफ में सोना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा आराम मिलेगा उतना ही ज़्यादा आराम। तो मैं देर ना करते हुए नुस्खे के ऊपर चलता हूँ। तो सबसे पहला हमको काम करना है, एक बॉयल इस तरह का पानी ले लेंगे, पानी को बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद आपको क्या करना है, इसको तो इस तरह गर्म पानी कर लेंगे। गर्म पानी करने के बाद आपको इसमें एक चीज़ डाल देना है, बिल्कुल चुटकी भर इसमें डाल देना है, इस तरह के चुटकी भर डाल देना है। इसको पूरी अच्छी तरह से उबाल लेना है, उबाल इतना आ जाए कि पानी का रंग लाल हो जाए। जब ये लाल हो जाए तो इसको अच्छी तरह से उबाल लेना है, और कोई भी सूती कपड़े से आपको इसको अच्छी तरह से छान लेना है। पानी गर्म ही होना चाहिए। इसमें जो पानी हम लोग जो मिलाए ना, उसमें हम लोग हल्दी मिलाए हैं, हल्दी एंटीबायोटिक होता है और बहुत जल्दी खांसी के लिए बहुत राहत है। तो इसको क्या करना है, आपको सुबह उठ के या जब भी आपको खांसी बहुत ज़्यादा तेज हो, रात में ज़रूर करें, तो इसको आपको ऐसे लेकर पहले इस पानी को अच्छी तरह से उबाल कर लेंगे। उबाल करने के बाद लाल हो जाए तो लाल करके आपको इसको अच्छी तरह से छान लेना है, सूती कपड़े से, जितना महीन कपड़ा हो सूती कपड़े से ही छानना है, दूसरा कोई कपड़ा से नहीं। सूती कपड़े से छान के आपको मुंह में, ये गर्म होना चाहिए, गर्म नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं होना, मतलब जितना गर्म उतना जिसके आपके सहन शक्ति से अनुसार अपना गर्म ले लें, और इसको मुँह में ऐसे इस तरह आपको गलाला करना है कम से कम 2 मिनट तक। जैसे ही आप करेंगे तो खांसी ऐसे चुटकी में गायब हो जाएगा। और सबसे लास्ट चीज जो मैं बता देता हूँ, जैसे मान लिया आपको कफ हो गया, बहुत ज्यादा कफ हो गया, कफ में आपको क्या करना है, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लेंगे जो चॉकलेटी कलर का होना चाहिए, और उसको आग पे अच्छी तरह से पका लेंगे। इतना पका लेंगे कि थोड़ा सा उसमें गर्म हो जाए, और उसको गर्म करने के बाद आपको क्या करना है, एक गर्म मसाला में आपको जीरे जैसा दिखने वाला सहजीरा होता है, सहजीरा को आपको गुड़ में लपेट लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से डुबा के उसको लपेट लेना है, गुड़ को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। गर्म करके
गरम मसाला में मिलने वाला सहजीरा, जीरा जैसा दिखने वाला, थोड़ा सा वो जीरा थोड़ा कालापन पे होता है और सहजीरा थोड़ा वाइट रंग पे होता है। तो आप गरम मसाला की दुकान में जाएंगे ना तो उसको बोलेंगे कि सहजीरा हमको दे दीजिए। सहजीरा जो पुलाव में डालने के काम आता है, जो शादी ब्याह में काम आता है, तो सहजीरा थोड़ा मीठा लगता है। तो उसको लपेट के आपको मुँह में लेके चूसते रहना है, 10 मिनट तक 15 मिनट तक आपको चूसते रहना है। चूसने के बाद आपको 2 घंटा 3 घंटा जितना गैपिंग करेंगे उतना जल्दी आपको खांसी में राहत मिला। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। ये नुस्खा पहले करें, खांसी में आराम मिले तब आप सब्सक्राइब करें। बिल्कुल 100% मैं दवाई कर करके थक गया था लेकिन ये छोटा सा चीज़ से खांसी बिल्कुल ऐसे गायब हो गया। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। जुड़े रहे हमारे ऑल इन वन चैनल क्षेत्र से। आयुर्वेद से रिलेटेड ही मैं वीडियो बनाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादातर। धन्यवाद दोस्तों।